होली का त्योहार जो है उससे गर्मियां शुरू हो जाती है और ऐसे में ठंडाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आज आपको बताएंगे ठंडाई कैसे बनाते हैं, शेफ भावना की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं ठंडाई कैसे बनाते हैं। ठंडाई बनाने के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे बता दूं, बार बार वो सारी चीजें इकट्ठा करना एंड ठंडाई को आपको वो सारे ड्राई फ्रूट्स को भिगा के फिर उसकी ठंडाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो मैं आपको बता दूं ठंडाई का प्रीमिक्स। ओके, सो इसमें आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी होंगी वो मैं बता दूं। एंड आपको अगर इसको स्टोर करके रखना है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो आपको इसको ड्राई रोस्ट करना होता है। सो हमको एक एक इंग्रेडिएंट्स में मेजरमेंट के साथ में बताती हूँ, वो आपको ड्राई रोस्ट करना है एंड ये सबको मिला के एक एयर टाइट कंटेनर में भर के आप 3 से 4 महीने के लिए अपने इसमें रख सकते हैं। एंड जब भी ठंडाई बनानी है तो मैं बता दूंगी ठंडाई बनाते समय आपको उसमें क्या क्या ऐड करना है। ओके, सो ठंडाई बनाने के लिए हमको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो ये इस प्रकार है। ये 1/2 कप शुगर हमने ली है, 5 to 6 ग्रीन कार्डमम, मेलन सीड्स हमको चाहिए 1 टेबल स्पून, 10 से 15 हमको लगेंगे बादाम, 10 से 15 हमने लिया है कैशू नट्स, 7 से 8 लिए हैं हमने पिस्ता, 2 से 3 अखरोट लिए हैं, अगर पसंद है तो ये थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, रोज पेटल लिए हैं हमने, ऑर्गेनिक रोज पेटल्स हैं ये 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सौंफ हमको चाहिए, 1.5 टेबल स्पून हमको चाहिए पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, एंड ब्लैक पेपर कॉर्न हमको चाहिए 1 टीस्पून। स्टार्ट करते हैं, गैस ऑन करेंगे। एक मोटे तले का पैन हमने रखा है एंड इसमें हमको सबसे पहले तो डालना है ब्लैक पेपर कॉर्न, ड्राई रोस्ट करना, हाँ ड्राई रोस्ट करना है। इसमें डालेंगे ग्रीन कार्डमम, पिस्ता, आलमंड्स एंड इसमें जाएंगे वॉलनट्स। इसको हम थोड़ा सा यूज करेंगे, कैशो एंड ये बाकी चीजें जो है ना ये थोड़ा सा ही ड्राई रोस्ट करनी होती है। आलमंड्स एंड पेपर को हमको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है सबसे पहले, एंड ये ड्राई रोस्ट धीमे फ्लेम पे करना है, धीमे आंच पे करना है। कम से कम आपको इसको भूनने के लिए 3-3.5 मिनट लगेंगे, इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाएगा तो इसकी शेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ेगी। आपको कोई फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं होती है एंड जब भी ठंडाई पीने का मन करेगा ठंडा ठंडा दूध पीजिए, इसमें थोड़ा सा केसर थोड़ी सी इलायची ऐड कीजिए एंड जितनी आप शुगर खाते हैं उतनी शुगर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। शुगर की जगह पे आप गुड़ वाली चाशनी भी ले सकते हैं। तो इससे बेनिफिट्स भी बहुत है ठंडियों में, जैसे हम ऑर्गेनिक रोज इसमें ऐड कर रहे हैं, फ्लेवर को एकदम दुगना हो जाता है, ताजगी देता है। तो इसमें हमने ये थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया है, अभी हम इसमें कैशो ऐड करेंगे, कैशो नट्स एंड मतलब काजू एंड मेलन सीड्स यानी कि ये तरबूज के बीज होते हैं वो, एंड खसखस इसके अंदर जाएगा एंड स्टोव जाएगा। और जो रोज पेटल्स है इसको हमको ड्राई रोस्ट नहीं करना है, ये कब ऐड करेंगे हम बताती हूँ मैं। यहाँ पे हमको ये सारा मिला के अभी ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। पॉपी सीड्स अच्छे चटकने लग जाते हैं तो समझ लेना कि बाकी का सारा भी हो गया। लो फ्लेम में ही रहना है ना? हाँ, ये सारा कुछ लो फ्लेम पे ही आपको करना है। ये ड्राई रोस्ट होने के बाद में इसको 100% ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना है। आपने देखा पॉपी सीड्स थोड़े से चटकने लग गए हैं, अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का लाइट गोल्डनिश आ गया है एंड इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। तो इसको इस तरीके से बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया एंड इस गरम जो ड्राई फ्रूट्स है इसी में अब हम डालेंगे जल्दी से रोज पेटल्स। तो ये गरम जब तक है ना तब तक ही हमारी जो रोज पेटल्स है वो ड्राई रोस्ट हो जाती है इसके साथ में एंड फिर हम इसको मिला के बनाएंगे एक पाउडर। शुगर को ऐड करके शक्कर ऐड करेंगे इसके अंदर एंड इसकी एक पाउडर बनाएंगे। जिनको थोड़ा सा कोकोनट चलता है हल्का सा कोकोनट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अगर आपको चाहिए तो डेसिकेटेड कोकोनट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें।
ओके तो अभी हम ये अच्छे से ठंडा हो चुका है एंड ये सारी चीजें हम ले लेंगे मिक्सर के जार में। मिक्सर का जार अच्छे से साफ होना चाहिए एंड बिल्कुल भी वाटर ड्रॉप उसके अंदर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसकी शेल्फ लाइफ कम रहेगी। इसके अंदर ऐड करेंगे हम जो हाफ कप शक्कर ली थी ये, और इसको पूरा ठंडा होने के बाद ही इसको मिक्सर करेंगे। यस, पीसना है तो अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छा पाउडर होने तक। ग्राइंड जो ठंडाई वाला प्रीमिक्स है बल्कि बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो इसको आपको बनाते समय क्या करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। आप इसको टेक्सचर देखिए कितना परफेक्ट बना है एंड खुशबू वाओ लाजवाब खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, एकदम नटी टेस्ट आएगा इसका। ठंडाई प्रीमिक्स, तो गाइस ठंडाई प्रीमिक्स आप बना के रखिए एंड इसकी ठंडाई बनाइए। ठंडाई बनाना मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है। ओके तो गाइस ठंडाई बनानी है तो हमारे पास ठंडाई प्रीमिक्स रेडी है। यहाँ पे मेरे पास केशर्स का सिरप है, ये ऑप्शनल है लेकिन, एंड यहाँ पे मेरे पास चिल्ड मिल्क है लेकिन ये जो मिल्क है ये गर्म किया हुआ नहीं है, नॉर्मल जो नमक आता वो है, कच्चा है। यहाँ पे 4-5 आइस क्यूब है, आइस क्यूब ऑप्शनल है। तो भाई तो इसमें हम डालने वाले हैं आइस क्यूब, तो 2 चुटकी आइस क्यूब आप डालिए। इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून इतना क्रश केसर सिरप है एंड इसमें हम डाल देंगे मिल्क। तो मिल्क आप यहाँ पे 1 ग्लास 300 ml इसमें लिया है हमने मिल्क, और 300 ml अगर आपका मिल्क है तो हमको लगेंगे 1 टेबल स्पून जस्ट आपको ये लगेगा पाउडर। तो 1-1.5 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अभी मिक्सर ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे आपकी ठंडाई बनती है। ग्लास लेंगे थोड़ा सा हाइड्रेट इस तरीके का एंड इसको हम केशर सिरप थोड़ा थोड़ा करके लगा लेंगे इस तरीके से ग्लास को एंड फिर हम इसके अंदर पोर करेंगे हमारी ठंडाई। तो इसका थिकनेस देखिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं अच्छी खासी थिक बनी है एंड ये ठंडाई इसके ऊपर आप थोड़ा सा, किसी को दही पसंद है ना तो दही आप 1 चम्मच इसके ऊपर दही डाल सकते हैं, या फिर आइसक्रीम डालना है आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, या फिर होली के पर्व में तो ऐसी पी जाती है। तो ये बनी है गाइस हमारी ठंडाई विद ठंडाई प्रीमिक्स। तो ये हमने आज बनाया है ठंडाई, और ये ठंडाई का ग्लास बिल्कुल रेडी है एंड ये बनाया है हमने ठंडाई का प्रीमिक्स। सभी को हैप्पी होली, इस तरीके से बनाइए ठंडी ठंडी ठंडाई एंड एंजॉय कीजिए होली।
को इस बार आप अपनी होली को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो शेफ भावना की बताई हुई रेसिपी मालपुआ और ठंडाई को जरूर बनाइए और अपनी होली पे चार चांद लगाइए।